ये रहा, इसमें विनेली का लगा हुआ था जो, और इसका सेम कॉपी वो वाला है। गाइस फाइनली मेरा जो पिछला ब्रेक हो चुका था फेल, वो निकाल दिया, बना दिया। फाइनली गाइस बाइक लग चुका है यहाँ पे, और अभी हो रहा है पॉल्यूशन मेरा बाइक का। 6 महीने का होगा, साल भर का नहीं होता क्या? एंटम बैग का 14 सेक्स चल रहा है गाइस, पूरा फोकस किया अपने बैक वर्कआउट पे। वो भी गए थे बीच में की क्लास, सुबह में बहुत जल्दी उठे थे, ब्लॉग वगैरह एडिट करना था, कल रात में जल्दी सो गए थे। तो बात है कल, जैसे कि मेरा एग्जॉस्ट देखे थे आप गाइस, टूट के गिर चुका था, तो उसको जा रहा हूँ मैं, जो फिटेड एग्जॉस्ट था पहले उसको ही लगाने के लिए। अब ये नहीं लगाने वाला हूँ एग्जॉस्ट मैं, क्योंकि इसको फिर से बिल्डिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि कल पता नहीं कैसे टूट गया गाइस, भगाने में टूट गया था या कैसे हुआ था मेरे को कुछ भी नहीं पता। मैं चलते चलते अचानक आवाज किया, मैं पीछे दिख रहा था एग्जॉस्ट दिख रहा हूँ गिरा हुआ है, तो फिर मस्त उसको पानी वगैरह मार के मैं दिखाया था जैसे ब्लॉग में, लेकर आया था घर तक गाइस, उसके बाद रखा हुआ था। अभी जा रहे हैं मुमताज भाई की दुकान पे उसको लगाने के लिए, और मुमताज भाई को बोले हैं गाइस मास्टर सिलेंडर खराब नहीं है, मेरा कैलिपर में जो प्रॉब्लम आया था पहले वही वाला प्रॉब्लम लगता है गाइस फिर से आ गया ब्रेक का। तो अभी मुमताज भाई बुलाया है, बोले कि आओ मैं देखता हूँ फिर से ट्राई करके, अगर सही हो जाएगा तो सही है गाइस, तो चलता हूँ, आई होप मेरा ब्रेक आज बन जाए। तो आज पहला दिन था गाइस, तो मेरे को सुबह से तो एकदम घर पे ही था, और इतना ज्यादा गर्मी है बाहर के जाने का मन नहीं कर रहा था गाइस, तो अभी निकल रहा हूँ घर से और देखता हूँ, जाता हूँ मुमताज भाई के पास ये वाला काम कराने, फिर देखते हैं क्या होने वाला गाइस आज का, मतलब बनेगा ब्लॉग पे काफी मैं जाने वाला आज से गाइस, 30 दिन तक एकदम रेगुलर ब्लॉग करने वाला हूँ मैं, ऐसा मैंने ठाना है। तो अभी देखता हूँ, अगर ठान लिया हूँ तो गाइस करना तो है ही, तो अभी निकलता हूँ गाइस फटाफट घर से और मिलता हूँ सीधा से मोटर सेटअप पे। तो गाइस घर से बाहर निकलने के बाद पता चल रहा बहुत ज्यादा ही धूप है गाइस, और इतना एकदम हवा भी जो चल रहा है लू वाला हवा चल रहा है, एकदम गरम गरम देख सकते हैं, सारे झंडे से पता चल रहे होंगे हवा चल रहा है, और लेके निकल चुका हूँ एग्जॉस्ट को झोले में और मस्त चलता हूँ। और अभी देख सकते हैं गाइस आवाज बिना किसी एग्जॉस्ट का, मतलब कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ना कोई मतलब फिटेड है ना कुछ ऐसा, ही जैसे कल गिरा था वैसे का ही वैसा आवाज़ है, और ब्रेक तो लग नहीं रहा, पिछला एक ब्रेक है गाइस, हाथ एक छोड़ने में भी डर लगता है, अगला ब्रेक पर से तो हाथ हटाने का हिम्मत ही नहीं करता है, और इतना ज़्यादा धूप है कि क्या ही बताऊँ मैं। और मुमताज भाई मेरे को आधा घंटा पहले बुलाए थे, और मैं कितना भी जल्दी जल्दी किया फिर भी आधा घंटा लेट हूँ, चलता हूँ उनके शॉप पे और फटाफट काम सारा कराता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ आज कहाँ जाना है। वैसे तो आज जिम भी जाना है गाइस, उधर जिम जैसे कि देखे थे मैं ज्वाइन किया था और मिक्स मार रहा था, आज से सेट स्टार्ट होने वाला है जिम में, तो आज जिम भी चलूँगा मस्त, पहले इधर का काम सारा निपटा लेता हूँ उसके बाद। और गाइस मैं कोलकाता में पता किया था, मैं सोचा कि पूरा ब्रेक का जो सेटअप है मैं पूरा चेंज कर दूंगा, तो 7,500 का गाइस क्लिपर है इसका, और मास्टर सिलेंडर जो है वो 2960 का लगभग, और ब्रेक पैड का दाम है गाइस 1081 रुपया, तो तीन चीज़ को मिला के देख सकते कितना हो रहा है। और 17,000 कुछ का है गाइस सॉकर रियर वाला, मतलब पीछे वाला सॉकर जो है वो 17,000 कुछ का, और मेरा सॉकर लीक हो चुका है, और ये सॉकर बनता है नहीं, इसको या तो चेंज ही कराना पड़ेगा नहीं तो फिर ऐसे ही चलाना पड़ेगा, और अभी तो मैं चेंज कराने वाला हूँ नहीं, क्योंकि 17,000 अभी लगा नहीं सकता गाइस, कुछ दिन पहले ही 10,000 लगा चुका हूँ, अभी तो जा रहा हूँ, बन जाएगा अगर मुमताज भैया से तो सही है, बना देंगे तो फिर काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि उस दिन जिस दिन आया था मैं उस दिन मेरा पूरा सही था, बट यहाँ आने के बाद जब चक्का खुला उसके बाद ही ब्रेक नहीं लग रहा मेरा। सो गाइस यहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ पे काम भी स्टार्ट हो चुका था, और ये मास्टर सिलेंडर देख सकते हैं ये वाला जो है ये Pulsar 220 का जो मुमताज भैया के पास पहले से था, और इसमें से जो निकला वो भी एकदम सेम है, तो अभी ये वाला लगा के चेक करेंगे कि इससे काम करता है या नहीं, अभी वो वाला खुल रहा है, अभी तक ऑयल पार नहीं हुआ है, देखे भी आप वाला जो खुला है अभी देख सकते हैं गाइस, ये रहा इसमें विनेली का लगा हुआ था जो, और इसका एकदम सेम कॉपी वो वाला है 220 का वो वाला, और इनके पास ही था पहले से, तो अभी वो वाला लगा के देखा जाता है कि काम करता है या नहीं, देख सकते सारा कुछ खुल चुका है यहाँ पे, कितना छोटा छोटा पार्ट्स है, कार वगैरह सब कुछ कट चुका है। गाइस फाइनली मेरा जो पिछला ब्रेक हो चुका था फेल, वो मुमताज भाई बना दिए हैं, और मेरा जो मास्टर सिलेंडर था वही वाला लगा हुआ है, वही वाला को मस्त एकदम साफ वगैरह करके लगाएं तो काम करने लगा, वर्क हो चुका है, अभी हल्का हल्का ब्रेक लग रहा है, बाकी एग्जॉस्ट लग चुका है फिर से गाइस, और अभी मेरे को एक और काम याद आ गया है जो मेरे को अभी करवाने चलना है, तो चलता हूँ फटाफट पहले वो भी काम कराने। गाइस आज सुबह ही में आया मैसेज RTO की तरफ से, मेरा जो पोल्यूशन है वो हो चुका है गाइस फेल, तो उसको भी जाके मेरे को कंप्लीट करवाना है, क्योंकि ये सारा पेपर मैं ओके रखता हूँ हमेशा, तो चलता हूँ फटाफट पोल्यूशन वाले काम करवा लेता हूँ, उसके बाद फिर चलता हूँ गाइस घर, काफ़ी टाइम लग गया इसमें, और
बहुत देर के बाद फाइनली हो चुका। मेरे को तो लगा कि उनका वाला जो है पल्सर 20 वाला वो वाला लगा के वो करेंगे, बट वो भी गंदा था, तो बोले पहले इसी को देखते हैं। ट्राई करके खोल के पूरा साफ किया मास्टर सिलेंडर, उसके बाद फाइनली वो वर्क करने लगा। और उसमें से जो गाइस वाइल होता है वाइल ही नहीं आ रहा था, बार बार मतलब प्रेशर मार रहे थे तो खोल के जब प्रेशर मार रहे थे वाइल निकल रहा था, जब लगाने के बाद मार रहे थे तो वाइल ही नहीं आ रहा था, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था गाइस, नहीं तो कल ही मेरा काम हो जाता। बाकी अभी हल्का हल्का ब्रेक, कल तो एकदम नहीं लग रहा था, अभी तो हल्का हल्का ब्रेक मार रहे हैं तो पकड़ रहा है। मुमताज भाई बोल रहे हैं चलाते चलाते वो लगने लगेगा, तो अभी तो गाइस कल से तो थोड़ा बेटर है, मतलब अभी पकड़ने लगा ब्रेक, थोड़ा नीचे चला जा रहा है ज़्यादा वो वाला मारने वाला जो पैंडल होता है ब्रेक का, बट हाँ लग रहा है ब्रेक, देख सकते हैं अभी हैंडल छोड़ भी सक रहे हैं। अगला ब्रेक पे तो हम मतलब हाथ नहीं भी रखेंगे, अभी तो चलेगा थोड़ा सा क्योंकि कंट्रोलिंग है पिछले ब्रेक में। नहीं तो कल तो गाइस इतना ज़्यादा डराया हुए था ये, और आज आ भी रहा तो उस टाइम भी बहुत डर लग रहा था, और कल एक बार मेरा चक्का स्केट करने के बाद तो मेरा फट चुका था, उसके बाद तो मेरे को हिम्मत ही नहीं कर रहा था टाउन में भगाने का। और एग्जॉस्ट हट जाने के बाद देख सकते हैं गाइस ऑगी का आवाज़, बस ऑगी भागेगा अब, आवाज़ नहीं करेगा कल तक, ये बहुत दहा रहा है इसलिए। और मेरा गाइस 30 डेज चैलेंज वाला ब्लॉग है, तो मेरा फुल डे ब्लॉग होगा, मतलब सुबह से लेकर जो भी मैं करूँगा शाम तक मैं पूरा कुछ डालूंगा। सुबह से तो मैं निकला नहीं था आज, इसलिए सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया मैं, दोपहर में निकला था और निकल रहा था काम करवाने के लिए, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट किया और निकला हूँ इसलिए। और शाम में भी जिम वगैरह जाऊँगा, वो सब भी यही ब्लॉग में रहेगा, सब कुछ मैं दिखाऊँगा जिम में कौन सा एक्सरसाइज है ये सब भी। तो अभी चलते हैं पहले फटाफट पॉल्यूशन करवाने के लिए। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं जहां पे मेरे को करवाना था पॉल्यूशन, और अभी मस्त करवाते हैं, बाइक लगाते हैं पहले, पॉल्यूशन हो जाएगा। फाइनली गाइस बाइक लग चुका है यहां पे और अभी हो रहा है पॉल्यूशन मेरा बाइक का, जो हो चुका था फेल। और सुबह ही में आया था मैसेज, मैं दिखाता हूं आपको, देख सकते हैं गाइस मैसेज सुबह में आया था 1 अप्रैल। हाँ रोहित कुमार, नाइन डबल वन सेवन 6 महीना का हुआ, साल भर का नहीं होता क्या? तो गाइस देख सकते हैं फाइनली पॉल्यूशन भी हो चुका है मेरा कंप्लीट, और यहाँ पे लगा मेरे को 80 रुपया, और यहाँ पे 6 महीना का भी होता है। अगर साल भर का होता तो मैं साल भर वाला ही करवा लेता, क्योंकि 6-6 महीना पे इसको करवाना पड़ता है, और ये सब अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि हम लोग राइड पे कभी भी निकल सकते हैं, कहीं भी निकल सकते हैं इसलिए। और हम नहीं चाहते हैं कि पोल्यूशन वगैरह के लिए या इंश्योरेंस वगैरह के लिए फ़ाइन कटे। पहले तो गाइस लाइसेंस नहीं था तो डर लगता था कि लाइसेंस के चलते कहीं ना कट जाए, और जब से लाइसेंस वगैरह बन चुक गया है तब तो लगता है किसी की चीज़ के लिए बस फ़ाइन ना कटे। एग्जॉस्ट वगैरह तो लगाते हैं तो वो तो शौक के लिए लगा देते हैं गाइस, और अब मस्त चलते हैं घर फटाफट, उसके बाद फिर मस्त डाइट वगैरह लेना है, और उसके बाद फिर जिम में निकलना है। और अभी का टाइम 5 बज चुका है, 2 घंटे के बाद मेरा जिम है, 7 बजे जाऊंगा या 6:30 जाऊंगा पता नहीं, आशीष लोग जब कॉल करते मैं चला जाऊंगा। शर्ट देखे थे जैसे कि मुमताज आके दुकान पे गए थे और वहाँ पे काम वगैरह करा के चल गए थे घर, पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ करवा के, और मस्त सो गए थे गाइस। और अभी मैं और आशीष जा रहा हूँ जिम, गोलू है नहीं गया मैं, तो अभी जा रहे हैं जिम, और आज बैग है गाइस, तो आज मारेंगे बैग, तो मस्त चलते हैं जिम के अंदर। पहुँच ही गया है जिम के बाहर, पहुँचने वाले थे वैसे जब ब्लॉग स्टार्ट करते हो, क्योंकि नींद से उठ के आया था घर से तो गाइस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और अभी जाकर मूड थोड़ा फ्रेश हुआ तो मैं ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। तो मस्त पहले पहुँचता हूँ जिम, उसके बाद फिर कौन कौन सा सेट मारता हूँ देखता हूँ, आज थोड़ा हैवी वेट लेने की सोच रहा हूँ गाइस। तो गाइस जिम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे भी बज रहा सॉन्ग, तो यहाँ पे मस्त वार्म अप वगैरह हो चुका है मेरा, और अभी जा रहा हूँ मैं सेट स्टार्ट करने। इसका प्रोग्रेस देख सकते हैं गाइस, जितना वेट पे अभी मैं मार रहा हूँ उतना ही वेट पे सेम आशीष भी मार रहा है, और ये भी अभी मेरे साथ बैक एक्सरसाइज कर रहा है। सो गाइस फाइनली जिम से निकल चुके हैं, जिम वगैरह हो चुका, और आज तक गाइस बैक का वर्कआउट तो बहुत मजा आया जिम वगैरह करके, तुमको मजा आया? हाँ भैया बहुत मजा आया।
तो आज हम और आशीष आए थे, गोलू था नहीं, वो गया हुआ लखीसराय, तो अभी वो आएगा तो कल से शायद वो भी रेगुलर होगा। तो अभी मस्त गाइस मजा आ गया, काफी दिन के बाद सब सेट स्टार्ट किए, उतना दिन से तो मिक्स मार रहे थे, और अभी मस्त फर्स्ट पेन होने वाला बैक में मेरे को पता है। बाकी अभी चलते हैं गाइस घर जा रहे हैं, आज का ब्लॉग तो दिखाई क्या क्या किए आज सुबह से, सो भी गए थे बीच में की क्लास, सुबह में बहुत जल्दी उठे थे, ब्लॉग वगैरह एडिट करना था, कल रात को जल्दी सो गए थे। तो अभी चलते हैं गाइस मस्त घर और डाइट वगैरह लेते हैं और ब्लॉग को करते हैं एंड। ब्लॉग अगर अच्छा लगा गाइस तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी तीन बटन।